हाय गाइस, वेलकम टू मोटरवेन। मोटरवेन पे सभी को फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, आप हमें एक बात बताइए, अगर आप सेवन सीटर चाहते हो और वो भी बजट फ्रेंडली, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या बच जाते हैं? आप मारुति के पास जाएंगे, वहां पे आर्टिका का ऑप्शन रहते हैं। आप रेनो पे जाएंगे, वहां पे आपको ट्राइबर का ऑप्शन रह जाते हैं। और अगर आप टोयोटा विजिट करेंगे तो आपके पास ये गाड़ी का ऑप्शन रहते हैं। ये है टोयोटा रूमियन, जो रिसेंटली मतलब ज्यादा दिन नहीं पुराना हुआ ये गाड़ी। ये बेसिकली मारुति का जो अर्टिगा आता है उसका ही एक रिबैजिंग प्रोडक्ट है बोल सकते हो, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर आपको कुछ चीज डिफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू मारुति अर्टिगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरियंट है दैट इज कॉल्ड द जी वेरियंट। अब जी वेरियंट कौन सा वाला वेरियंट है? ये वेरियंट अगर आप ऊपर से देखेंगे, सीरियल देखेंगे, ये सेकेंड टॉप वेरियंट आते हैं। इसके ऊपर और एक वेरियंट होते हैं जो वी वेरियंट होते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको तीन वेरियंट आता था पहले, एस वेरियंट, जी वेरियंट, देन वी वेरियंट। लेकिन अभी रिसेंटली ई वेरियंट नाम का एक वेरियंट हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक तो नहीं है। लेकिन फिलहाल जी वेरियंट अगर आप लेते हो तो आपके पास क्या क्या फीचर्स मिलेगा, उससे पहले हम इसकी प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। इस गाड़ी की प्राइसिंग आपको पड़ेगा लगभग 11,60,000 एक शोरूम। अब 11,60,000 एक शोरूम देने के बाद आपको इस गाड़ी के अंदर टोयोटा हाइराइडर के अंदर जो इंजन ऑफर किया जा रहा है, ग्रैंड विटारा के अंदर जो इंजन ऑफर किया जा रहा है, 1.5 लीटर के सीरीज K15 का जो इंजन, वही वाला इंजन आपको इस गाड़ी के साथ भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको 1.5 लीटर इंजन तो है लेकिन पावर टॉर्क काफी अच्छा 7 सीटर के हिसाब से जनरेट करके देने भी वाला है। लेकिन अगर आप क्लोज आएंगे ना, मैं आपको चाबी पहले दिखाऊंगा। इस गाड़ी के साथ सबसे पहली और बढ़िया डील आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर किया जा रहा है। पीछे टोयोटा के लोगो है और गाड़ी के अंदर जैसे रिमोट की है तो आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी ऑफर किया जा रहा है। अगर आप हेडलैम्प देखेंगे, बाहर की तरफ आपको प्रोजेक्टर दिख रहा है, ये आपको LEDs में नहीं आएगा, ये भी हैलोजन में आएगा। अंदर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपको जो बल्ब दिख रहा है हैलोजन बल्ब, ये भी आपको हाई बीम के लिए, ये भी हैलोजन बल्ब में। नीचे नोटिस करेंगे, ये फॉग लैंप भी हैलोजन बल्ब में ऑफर किया जाएगा। ग्रिल देखेंगे, रूमियन का जो सिग्नेचर ग्रिल है वो मिलेगा टोयोटा के लोगो, काफी बढ़िया। सामने की तरफ कोई भी सेंसर वगैरह नहीं आएगा और क्रोम का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल यहाँ पे की गई है। अब इसके बोनेट देखेंगे ना, बोनेट की एज आपको नहीं दिखेगा अंदर बैठे बैठे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लोपी डिजाइन के साथ है। और गाड़ी प्रॉपर MPV, MPV के हिसाब से अगर आप देखेंगे साइड पे, यहाँ पे लेंथ देख लीजिए भाई, काफी बढ़िया लेंथ के साथ है। यहाँ पे 7 लोग आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। अगर आप ये जी वेरिएंट चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर अलॉय आएगा, और वो भी ड्यूल टोन में डायमंड का डिजाइन के साथ। 15 इंच का टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सामने डिस्क आ जाते हैं, अगर आप पीछे आएंगे तो पीछे की तरफ आपको डिस्क आएगा या फिर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 15 इंच का टायर काफी बढ़िया लग रहा है डायमंड का डिजाइन के साथ इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। यहाँ पे देखेंगे डोर के अंदर आपको क्रोम का यूज है भरपूर मात्रा में। रिको सेंसर आ रहा है इस गाड़ी के साथ। यहाँ पे देखेंगे ORVM ऑटो फोल्डेबल आएगा। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर इसके अंदर ही माउंटेड है। ऊपर कोई भी रूफ रेल्स नहीं आता है, कोई भी सनरूफ नहीं आता है, क्योंकि ये एक MPV है। MPV के अंदर जनरली रूफ रेल्स नहीं होते, कोई भी आपको यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। गाइस, 30 सेकंड के लिए बस वीडियो से बाहर आ रहा हूं। अगर आप टोयोटा की कोई भी कार परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो पेल्को टोयोटा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पहुंचने के लिए जो गूगल मैप लिंक, प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो पेल्को टोयोटा है ये आपको खड़गपुर के अंदर सिचुएटेड है। खड़गपुर एक ऐसी जगह पे जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है, आप उड़ीसा से भी आ सकते हो, झारखंड से भी आ सकते हो, वेस्ट बंगाल के किसी भी रीजन में रहते हो तो भी आ सकते हो, या फिर बिहार छत्तीसगढ़ से भी आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ से गाड़ी परचेस करेंगे तो आपको बेस्ट डील मिलेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे गाड़ी सर्व करने की कोशिश किया जाएगा अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो। तो चलिए फिर वीडियो में वापस चलते। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी सीटिंग कंफर्ट दिखाऊंगा। अगर आप सेकंड रो पे बैठेंगे या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स बैठेगा तो उसको क्या मिलेगा? पहली बात, डोर की ओपनिंग एंगल देख लीजिए, काफी बढ़िया ओपनिंग एंगल है। और इसके अंदर जैसे आप बैठेंगे तो आपको क्या फील होने वाला है? मैंने ये जो को ड्राइवर सीट है वो कुछ मेरे हिसाब से एडजस्ट करके रखा है, उस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे नीरूम डिसेंट है, यहाँ पे मैगजीन होल्डर आ रहा है। ऊपर की तरफ देखेंगे एसी का जो ब्लोअर है वो कुछ आपको यहाँ पे 4 ब्लोअर आ रहे हैं, उसकी रेगुलेशन कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। नीचे कोई भी एसी वेंट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 12 वोल्ट का एक आउटलेट मिल जाएगा। यहाँ पे सामने की तरफ आर्मरेस्ट आती है, नीचे काफी सारा स्पेस है। और यहाँ पे मुझे जितना कंफर्ट मिल रहा है, हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी डिसेंट है, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स आ रहे हैं और पीछे यहाँ पे 3 लोग काफी आराम से बैठ भी सकते हैं, लेकिन बीच वाला पर्सन के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आर्मरेस्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। कप होल्डर आता है क्या? नहीं आता, नहीं, कोई भी कप होल्डर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पावर विंडोज की कंट्रोल वगैरह भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाए। ये था इस गाड़ी की सेकंड रो कंफर्ट। अगर आपको थर्ड रो पे बैठना है तो मैं बताऊं, इस गाड़ी की थर्ड रो पे आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा। जी हाँ, थर्ड रो पे थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा, लेकिन फिर भी गाड़ी की लेंथ के हिसाब से काफी बढ़िया डील आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब चलिए रेयर प्रोफाइल चेक करवा देते। रेयर प्रोफाइल आपने मारुति की जो आर्टिगा है उसके साथ सिमिलर आपको डेफिनेटली मिलेगा। टोयोटा के लोगो आ जाते, रूमियन की ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाती,
मेन जो लाइट्स वगैरह आएगा वो हैलोजन बल्ब के साथ मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे बीच में आपको कुछ एलईडी ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा। पीछे चार चार पार्किंग सेंसर आएगा, कोई कैमरा नहीं आते इस वेरिएंट के साथ। न्यू ड्राइव की ब्रांडिंग आपको यहाँ, जी की ब्रांडिंग भी आपको साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोई कैमरा तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये गाड़ी 209 लीटर बूट स्पेस ऑफर कर रहे। अगर आप ये थर्ड रो को एक्टिव रखेंगे तो उस केस में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये तो दोनों सीट है ये 50-50 स्प्लिटेबल ऑप्शन के साथ। यहाँ पे देखेंगे ट्रे आ रहे हैं सेपरेट, दोनों को ओपन करेंगे, नीचे काफी डीप एक स्पेस ऑफर किया जा रहा है। बेसिकली ये एक लोडिंग लिफ्ट है, उसके अंदर स्पेस में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब ये स्पेस लेकर गाड़ी के अंदर कोई भी कंजूसी इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ नहीं की है कंपनी ने, जो काफी अच्छे डील है। आप मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, आप फैमिली पर्पस के लिए गाड़ी चूज करेंगे तो यहाँ पे 7-8 लोग बैठ सकते हैं, अगर 2-3 बच्चे भी होंगे तो उस हिसाब से 8 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन एडल्ट पर्सन होंगे तो 7 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। पीछे स्पेस भी आ रहा है उसके इसमें। अब ड्राइवर साइड चेकआउट करवाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे इस गाड़ी के साथ, मैंने तो आपको चाबी दिखा दिया ना पहले ही, अब यहाँ पे देखेंगे ना, उससे पहले यहाँ पे कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आएगा, नॉर्मल वाइपर आ जाते, यहाँ पे रिको सेंसर आ जाते। यहाँ पे देखेंगे इसके इंटीरियर, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया डील आपको लगने वाला है, यहाँ पे ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट ऑफर किया जा रहा है भैया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट की कंट्रोल्स भी ऑफर किया जा रहा है, और वहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डोर के अंदर ऑटो की बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चारों पावर विंडोज की कंट्रोल, लोअर बीम्स की रेगुलेशन, ऑटो फोल्डेबल ऑप्शन की भी आएगा। और इस गाड़ी के साथ यहां पे अगर आप चेक करेंगे इसके इंटीरियर के अंदर, यहां पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको ऑफर किया जा रहा है, एंड साथ ही साथ यहां पे ये जो स्टीयरिंग व्हील आ रहा है इसके कंट्रोल कैसा है, ये सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं आने वाला है। अब यहां पे देखेंगे इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हां यहां पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहां पे स्पेस भी काफी बढ़िया है, यहां पे देखेंगे दो कप होल्डर भी ऑफर किया जा रहा है, एंड इसी के साथ साथ अगर आप यहां पे देखेंगे इंफोटेनमेंट काफी बढ़िया ऑफर किया जा रहा है, टच रिस्पॉन्स डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मारुति का जो इंफोटेनमेंट है वही इसी के अंदर यूज की गई है। यहां पे ग्लोव बॉक्स भी डिसेंट है, यहां पे थोड़ा सा वुडन वाला ट्रीटमेंट है, काफी प्रीमियम लगने वाला है अंदर से। और यहां पे देखेंगे गियर स्टिक आपको 5 स्पीड का आएगा, और पीछे देखेंगे यहां पे आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा लेदर आपको डेफिनेटली मिलेगा। नीचे स्पेस भी काफी बढ़िया रखी गई है। एमआईडी देखेंगे ये एनालॉग स्टाइल के साथ ही आएगा, लेकिन काफी बढ़िया जितना इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो सारे डिटेल्स आपको यहां पे डेफिनेटली मिलेगा। यहां पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की बटन, ये सारे चीज भी मिलेगा, और यहां पे छोटा सा स्पेस भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये था इस गाड़ी की, मतलब जो जो फीचर्स आ रहे वो सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे दिखाना लायक कुछ है नहीं, मैं एक चीज आपको और चेक करवाऊंगा इस गाड़ी के अंदर। आपको जो इंजन ऑफर किया जा रहा है वो इंजन मैंने बता दिया हाई राइडर लेंगे, हाई राइडर की जो बेस वेरिएंट या फिर नॉर्मल जो नॉन हाईवे टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं उसके साथ जो इंजन आता है वही वाला इंजन आपको यहां पे, मारुति का इंजन है बेसिकली, 4 सिलेंडर वाला आपको 1.5 लीटर के सीरीज K15 का इंजन है। नीचे कोई भी कवर वगैरह नहीं आ रहा है, यहां पे प्लेसमेंट तो ठीक है, इंसुलेशन प्रॉपर आ जाती है, और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, मैं बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं बोलूंगा, नॉर्मल है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, 11,60,000 प्राइस के अंदर आपको ये सारे चीज मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम लोग बिठा सकते हो, मैक्सिमम लगेज कैरी कर सकते हो, बूट स्पेस भी मैक्सिमम मिल रहा है, 209 लीटर आपको बूट स्पेस, 7 लोग बैठने की बात भी आपको ऑफर किया जा रहा है। अब देखिए इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो जो चीज आ रहा है मैंने बता दिया, वेरिएंट्स मैंने बताया ये जी वेरिएंट था, इसके अंदर जो ई वेरिएंट नया एड ऑन की गई है उसका प्राइस आ रहा है 9,42,000 एक शोरूम प्राइस, जैसा हमें इंफॉर्मेशन मिला है। इसके ऊपर एस वेरिएंट आते हैं, एस वेरिएंट का प्राइस हो जाते 10,30,000 के आसपास, जी वेरिएंट 11,60,000, और उसके ऊपर और एक वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा जो वी वेरिएंट है। फिलहाल इस गाड़ी का जो ऑटोमेटिक आता है वो भी आपको मिलेगा, बेस वेरिएंट छोड़कर, ई वेरिएंट छोड़कर, एस जी वी तीनों वेरिएंट के साथ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के साथ आपको एक सीएनजी पैक भी ऑफर किया जाएगा, अगर आप सीएनजी चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी देखने को मिलेगा, वो सीएनजी ऑप्शन आपको सिर्फ एस वेरिएंट जो आते हैं वहां पे ऑफर किया जा रहा है, ना आपको जी में देखने को मिलेगा ना आपको वी में देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर दो वेरिएंट के साथ। अपर वेरिएंट पे सीएनजी नहीं आएगा, सिर्फ आपको एस जो सेकंड बेस वेरिएंट है वहां पे ऑफर किया जा रहा है। अब ये जो ई वेरिएंट का कॉन्सेप्ट है वहां पे क्या कुछ आ रहा है क्या कुछ नहीं आ रहा है उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जैसे हमें मिल जाएगा हम एक सेपरेट वीडियो ई वेरिएंट के ऊपर भी आपको बनवा के प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल यहां तक वीडियो रखते हैं, अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।